वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्टर चाहर व्लॉग। तो आफ्टर कंप्लीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनली मेरा एडमिशन हो चुका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में बिग डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट में। सो नाउ आई विल परस्यू MSc बिग डेटा एनालिटिक्स इन सियूराज। और आज हमारी मास्टर्स की पहली क्लास है, तो ऑब्वियसली सारे एक्साइटेड होते हैं फर्स्ट क्लास में सबसे मिलने के लिए। वैसे मैं भी हूँ वैसे तो देखते हैं आज पहला दिन कैसा जाता है MSc बिग डेटा एनालिटिक्स में। डिपार्टमेंट भी दिखाता हूँ मैं आपको व्लॉग में, बट उससे पहले मेरे को मैस जाना है। सबसे पहले मैं मैस जाऊँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद डिपार्टमेंट जाऊँगा। और सही बताऊँ तो अभी तक टाइम टेबल में नहीं आया है क्लासेस का, लेकिन हाँ डिपार्टमेंट तो जाना ही है, सबसे मिल लेंगे और नहीं तो। बट उससे पहले आई थिंक मैं आपको थोड़ा सा हॉस्टल का व्यू दिखा देता हूँ। मेरे अंदर से ऐसा मेरा हॉस्टल है, ये व्यू है करंटली हॉस्टल का। अभी रूम दिखाने का मत बोलना, रूम बहुत मैसी हो रखा है। किसी दिन अगर अच्छे से साफ सफाई करूंगा, जिस दिन साफ होगा रूम उस दिन दिखाऊंगा रूम कैसा है। पूरी जनता कॉलेज जा रही है, लेकिन हमको मैस में जाना है। ये हमारा मैस है और अभी इसमें ब्रेकफास्ट करेंगे हम। ये ऐसा कुछ हमारा मैस है। फर्स्ट एक्चुअली में खत्म हो गया, पोहे बने थे आज। खाली का हाल कुछ ये है, ये हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ऐसा ब्रेकफास्ट सबको मिले। कुछ तरीका जो भी सिर्फ चाय से काम चला रहे हैं। फाइनली अभी पोहे आ गए हैं, अभी हम भी लाइन में लगेंगे। चाचा हेलो तो कर दो। हेलो एक्चुअली डिपार्टमेंट की तरफ जाने के लिए ये शॉर्टकट वे है, तो इस शॉर्टकट वे से अभी डिपार्टमेंट जा रहे हैं। तो पूरा बाय रोड जाने का हमारे पास टाइम नहीं है, ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का अमूल पार्लर, जहां आप कॉफ़ी वगैरह कुछ भी पी सकते हो। ये मेरे पुराने बैचमेट्स, हेलो हेलो हेलो, ये सबसे ज़्यादा उदास है हमारे जाने से। क्या यार, तुम फिर भी लिफ्ट का यूज कर सकते हो, हम ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट का भी यूज नहीं कर सकते। बाय 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 बाय। एक्चुअली अभी सारी क्लासेस पोस्टपोन हो गई है, 2:30 से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तब मिलते हैं सबसे। बाकी अभी मैं स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में हूँ, तो इनकी क्लास खत्म होने वाली है, तो पुराने बैचमेट से मिलेंगे हम लोग अभी। अभी क्लास तो हो नहीं रही है, तो बस धूप सेकने में लगे हुए हैं सारे सारे मेरे लास्ट ईयर के बैचमेट्स, जिनसे मैं अब नहीं मिलने वाला हूँ, इन्होंने निकाल दिया है मेरे को। ये लास्ट मेमोरी है आई थिंक इनके साथ मेरी। बाकी ये पार्टी वगैरह में बुलाएंगे मेरे को, तो मे भी पार्टी में बुलाओगे मेरे को अभी भी। देखो भाई मेरे को निकाल दिया इन्होंने, बहुत गंदे लोग गए हैं। बाय बाय गाइस बाय। एक्चुअली अभी तक हम ऐसे ही डिपार्टमेंट में आ गए, हमारा कोई क्लास का शेड्यूल नहीं है अभी तक, कोई टाइम टेबल नहीं आया अभी तक। बातें कर रहे हैं इधर उधर, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कहाँ है भाई क्लास, कहाँ है कि नहीं आज क्लास। बाकी फाइनली आज सबका मेन इंट्रैक्शन होने वाला है एक दूसरे से, सब जानेंगे कि हाँ इतने स्टूडेंट्स हैं हमारे डिपार्टमेंट में वगैरह वगैरह। अगेन द रैंडम क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बाय एवरीवन, कहाँ से हो, ग्रेजुएशन कहाँ से की है, क्या नाम है, ब्ला ब्ला। अभी तक तो कोई टाइम शेड्यूल का पता नहीं है, जैसे ही क्लास होगी तो मैं मिलवाता हूँ बाकी सबसे भी। यू नो फर्स्ट डे सबके सामने थोड़ा व्लॉग बनाना थोड़ा सा हेडेक होता है। बाकी अभी काफ़ी टाइम हो गया मेरे को व्लॉग बनाते हुए, तो अभी कोई हेजिटेशन तो नहीं है, लेकिन फिर भी सारे नए स्टूडेंट्स होंगे, तो बाकी कुछ जूनियर्स से मिला, दे आर लाइक आप व्लॉग बनाते हो ना। हाँ भाई मैं व्लॉग बनाता हूँ। वैसे अंदर से मैं डिपार्टमेंट की बिल्डिंग आपको दिखा देता हूँ,
अंदर से डिपार्टमेंट कुछ ऐसा दिखता है। ये कॉरिडोर है ऐसा, और यहीं हमारी क्लासेस होंगी। सो गाइज, अभी क्लासेज जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं हमारी। आज 2:30 से, जैसे मैंने आपको बताया था, 2:30 से अभी 5:30 हुए हैं। 2:30 से 5:30 तीन क्लासेज हुए, जिसमें एक क्लास में हमें नींद आई, दूसरे क्लास में हमें प्रोजेक्ट वगैरह बताया गया कि कैसे प्रोजेक्ट होगा। और एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो था बिग डाटा की लैब। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये बिग डाटा की लैब है। एक्चुअली मैं तो बैचमेंट के साथ भी इंटरेक्शन करना चाहता था, लेकिन कोई रुका ही नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक दोस्त बने, उनसे ज़रूर मैं इंटरेक्शन करवाता हूँ। ऑलमोस्ट सभी जा चुके हैं, लेकिन एज यू नो कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो हमेशा रुके हुए रहते हैं। मतलब ग्रुप बनने में देरी नहीं लगती। आई थिंक फर्स्ट डे का हमारा ग्रुप ये है, ही इज़ रितेश, शी इज़ निधि, एंड ये तो मेरा रूम पार्टनर किशन। सर रितेश स्टार्ट करते हैं, हाउ इज योर एक्सपीरियंस फर्स्ट डे का भाई? तो देखो सुबह बुलाया, नहा धो के आगे। ये राहुल भाई है। हेलो ब्रो। सुबह बुलाया, नहा धो के आगे, क्लास ही नहीं। फिर 2:30 बजे, फिर 2:30 बजे बुलाया यार, साला खाओ के आए, नींद आ रहा था। लेकिन सही था, टीचर सही है और फैकल्टी अच्छी है थोड़ी। पहला दिन का इंट्रैक्शन सही था, स्टूडेंट्स भी फ्रेंडली हैं। अच्छा, टीचर्स कैसे लगे? माहौल अच्छा है यहाँ का, टीचर्स फैकल्टी अभी तो फ्रेंडली है काफी, कुछ ऐसा इशू नहीं है। एंड ही इज आवर बॉडी बिल्डर। हेलो ब्रो, जिम बॉय, यू आर इन द व्लॉग, से समथिंग यार। से हाय। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं को जिम करते हुए बस 2 महीने हुए हैं, ठीक है। ये बंदा वो है जो फर्स्ट क्लास में आकर के टीचर से पूछता है कि मैडम जिम कहाँ है। हाँ, प्रायोरिटीज स्टडी नहीं है, जिम है ना, दोनों है। अच्छा, बैलेंस बनाना। अपने बारे में बताओ निधि, आपका ग्रेजुएशन? मेरा ग्रेजुएशन एलपीयू से हुआ and BSc computer science, lovely profession, yeah, one of the top private colleges and universities in India. हाँ, उसमें काफी यूट्यूबर्स वगैरह आते रहते हैं। जी, उनके व्लॉग्स भी आपने काफी देखे। हाँ, उनके व्लॉग से ही तो इंस्पायर होके हमने व्लॉग स्टार्ट किया है। एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट सही बताओ ना, जितना मैंने यूट्यूबर्स की वीडियो सुनी है ना, देखी है, सिर्फ उससे मैंने पता लगाया कि हाँ एलपीयू भी एक यूनिवर्सिटी है। सही बात कह रहे हो यार, उसके अलावा सच में नहीं पता था यार मेरे को कि एलपीयू पढ़ के वहाँ से प्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं इधर। भाई चाय के बिजनेस इतने चल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री बन गए, जो मन से पढ़ा है भाई एलपीयू कहीं भी, वो तो पैकेज उठा लेता है, कुछ भी उठा लेता है। तो क्या तुमको क्या एक्सपेक्टेशन है सियुरा से, क्या एक्सपेक्टेशन है, होगा प्लेसमेंट? अरे कम से कम एक छोटी सी नौकरी दे दो यार, कोर्स इतना तगड़ा है ना, उतनी डैश 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 मेहनत भी करनी है और उतना ही फाड़ू तुम्हें पैकेज भी मिलेगा अगर तुम सीख गए तो। तो भाई 10 साल ना वैसे इसलिए मैंने लिया है, मेरे को घंटा एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं। इसने डिफेंस में जाना मैंने भी है, सीरियस पर मैं ना थोड़ा उसको दबा के रखी हूं, क्योंकि मेरी मैथ्स थोड़ी, समझ रहे हो ना, फीलिंग समझ गए हम आपकी फीलिंग समझ गए। और आपको क्या लग रहा है किशन, प्लेसमेंट होगा? लग तो रहा है कि होना चाहिए, डीसीएस यहाँ पे आ चुका है, पहले क्या पता वापस आ जाए कोविड के बाद से, देखा जाएगा। तुम में से पहले ये तो बताओ कि टीसीएस को देख के कौन कौन आया है यहाँ पे? भाई मैं यही ले रहा हूँ। रितेश, क्या टीसीएस को देख के आप आए हो? और क्या भाई, जो सीनियर्स हैं उनसे बात किया था तो उन्होंने पहले बताया था, ब्रोशर में लिखा हुआ है भाई कि टीसीएस के साथ ये टाई ऑफ पाई होगा। टीसीएस के नाम पे सिर्फ लैब अभी तक दिखी है मुझे, है ना। आई एम सॉरी बाबू, 2020 में टाई ऑफ खत्म। और प्लेसमेंट अभी कुछ फिक्स नहीं है? प्लेसमेंट अभी कुछ फिक्स नहीं है, बाकी देखते हैं। एक्चुअली रियली इट्स अ ग्रेट फीलिंग, लाइक
पहले ही दिन आप सीआर बन जाओ, मतलब मैडम ने पूछा कि सीआर कौन बनेगा बॉयज़ का, मैंने हाथ खड़ा किया एंड मैम भी लाइक स्टूडेंट्स को भी संभालना पड़ेगा, टीचर्स को भी संभालना पड़ेगा, आई सेड ओके मैम। तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनते ही ड्यूटीज़ भी आ गई हाथ में। सो गाइस, आज पहले दिन में बहुत सी चीज़ें नई सीखने को मिली, लाइक हमें पूरा बताया गया प्रोसीजर कि कैसे हम पढ़ने वाले हैं चार सेमेस्टर में अपने दो साल के कोर्स में। लाइक हमें एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा ग्रुप में, ग्रुप असाइन होंगे, तो सब ग्रुप पार्टनर फाइंड करने को लगे पड़े हैं अभी तक कि किसके साथ जो है अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, जिसके साथ अच्छे से प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं कोई पार्टनर ऐसा मिल गया जो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट सारा आप कर रहे हो लेकिन क्रेडिट उसको मिलेगा सारा, इसलिए अच्छा प्रोजेक्ट पार्टनर होना भी ज़रूरी है। और पहले ही दिन कुछ अच्छे दोस्तों से भी इंटरेक्शन हुआ, अगेन द फॉरएवर फ्रेंड जर्नी स्टार्ट्स नाउ। और सभी स्टूडेंट्स में लाइक अलग एक्साइटमेंट था कि मतलब सबसे मिलने का और नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का और नई मेमोरीज बनाने का। सो आई थिंक ये पहला दिन था और पहली मेमोरी बन चुकी है, जो हम साथ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टीचर्स से इंटरेक्शन कर रहे हैं, टीचर्स भी काफ़ी फ्रेंडली हैं, तो ओवरऑल दिन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा।